हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज मिथुन राशि वाले जातकों का कैसा बीतेगा आज का दिन, व्यवसाय करियर और उनसे जुड़े बहुत सारी विस्तार से जानेंगे बातें। आज उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज उन्हें किन चीज़ों से बचकर रहना है, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि समय से आपको राशिफल मिलती रहेगी और आप आने वाले दिनों को और बेहतर बना सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि हर एक दिन आपका एक जैसा नहीं चलता है। कोई दिन ऐसा आता है जब आपको दिन भर खुशियां ही खुशियां मिलती है और कोई दिन ऐसा आता है जब हमें दुखों का पहाड़ जैसे मालूम होता है। तो आइए आज जानते हैं आप अपने कैसे आज के दिन को बेहतर बना सकते हो कुछ सरल से उपाय करके। मित्रों, दुख और सुख ये हमारी जीवन में लगा रहता है और ये ग्रहों और ग्रहों की राशियों की उलट फेर से ये संभव है। तो आज आपको छोटी सी उपाय बताकर आज के दिन को शुभ बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। व्यावसायिक रूप से आप प्रगति करेंगे, अपने कार्यों के लिए कार्यस्थल पर आप प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। आज आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, बहुत दिनों से आ रही व्यापार में बाधाएं दूर होंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। आप में से कुछ लोग एक नए संघ या साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके दुश्मन आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमेशा विजयी होंगे। आज आपको बता दें कि शनि महाराज की पूजा करने से आपका दिन शुभ जाएगा। सुबह उठते ही आप स्मरण कर लीजिएगा, शनि महाराज की स्मरण जरूर कर लीजिएगा, आपका दिन बेहतर बन जाएगा। आप आज तनाव से दूर रहें, तनाव आपके जीवन को, आपके आज की लाइफ को बर्बाद कर सकता है, इसलिए तनाव से दूर रहें, आपका दिन बेहतर जाने की संभावना है। आपका स्थिर आय आपको बेहतर स्थिति के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। भूमि से संबंधित किसी सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यदि आपकी विवाह योग्य आयु है तो विवाह आपका संबंध जो है वो बिल्कुल तय हो जाएगा। पारिवारिक जीवन सुख रहेगा और बच्चे शिक्षा क्षेत्र में अच्छा करेंगे। स्वास्थ्य पर आज ध्यान देने की आवश्यकता है, बाहरी चीजों को खाने से परहेज करें, क्योंकि आप छोटी मोटी बीमारियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। यात्रा आपके लिए आज बेहतर रहने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय मां।